लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, लोकल लोग, ये लोग वीडियो शूट कर रहे हैं लग रहा ना लग रहा शूट कर रहे हैं, हालांकि उनसे हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं, बाकी आपको दिखाएं हम कितना नीचे से ऊपर आए हुए हैं, तो आप इस चीज़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी, हालांकि उतरते समय आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको नीचे कुछ दिखता होगा, दिख रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा हिल रहा, स्टेबल नहीं है, यहाँ पर गिम्बल छूट गया था घर पर ना जल्दबाजी के चक्कर में। बाकी देख सकते हैं यही रास्ता से हम लोग आए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको मैं स्टेबल करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो आप रास्ता ये देख सकते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है रास्ता, कहीं पर भी नहीं दिखता क्योंकि रास्ता है ही नहीं मेरे भाई। अब इसी में बाइक घुसेड़ के लाना है ना, लाल वाली अपनी है, बाकी पता नहीं किसका कौन है, देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इन लोगों से जो लोकल है यहाँ के, यही लोग बता पाएंगे कैसे कैसे क्या होता है यहाँ पर। ये चीज़ नहीं मिलने वाला जो यहाँ पर है, मज़ा अलग है। चलिए अभी लोग से पूछते हैं, बाकी उसके बाद चलेंगे उधर में नहाने, हम भी देखते हैं कितना गड्ढा क्या है। हालांकि डर तो लगता है, कभी आज तक सब में नहाया हुआ नहीं है ना, झरना का आदत है घर है, बस वही नहा है, ये झरना अलग ही मोमेंट का है। तो देखिए ये सब लोकल लोग हैं लोकल लोग हाय बाय कर रहा, सब इन लोगों को पता है सब है, लोकल हाय बाय कैसे किया जाता है। हाँ तो ये सब देखिए लोकल लोग, तो भाई लोग ये जगह का क्या नाम है? ये जगह आपको पड़ेगा भूखी को। हाँ, हो सकता है यहाँ पानी की वजह से आवाज़ कम आता हो, थोड़ा सा इस साइड में आ जाइए, क्योंकि पानी का आवाज़ जो होता है ना माइक में रिकॉर्ड होता है, तो उसके वजह से आवाज़ भी ना कम बेसी आता है। इन्हीं लोग से पूछते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो हाँ फिर से बताइए जगह क्या नाम था? ये जगह पड़ेगा आपको बौलिया से भूखी को बोला जाता है। अच्छा अच्छा, बहुत फेमस जगह है, अच्छा जगह है, और खासकर सावन के महीना में। अच्छा, जितना आपको हरा भरा दिख रहा है, ये पूरा हरा भरा दिख रहा है आपको, सावन का महीना में ज़्यादा अच्छा लगता है, लोग ज़्यादा इसी मंथ में आते हैं घूमने। हरियाली तो है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं, ये नेचुरल है। ये रोहतास पहले यहाँ पे बहुत प्लांट भी हुआ करता था जी, उस टाइम में ये कटा है पहाड़। हाँ। प्लांट रहता था, अभी बहुत सारा जितना प्लांट का वायर रहा था कट के हटा गया। अच्छा। और ये रास्ता, ये जो झरना देख रहे हैं आप, ये झरना हाँ। सीधा ऊपर से गिर रहा है। अच्छा। पहाड़ के ऊपर से। अच्छा। आप उधर देख सकते हैं, और ऊपर में यहाँ का रोहतास फोर्ट का किला है। अच्छा, किला भी है? किला है, वो बहुत फेमस किला है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, ठीक है ना, हम लोग भी गए हैं लेकिन बहुत कम गए, दो तीन बार गए, ज्यादा अच्छा, दूर से लोग आते हैं, हम लोग भी गए। इसका रोहतास से रास्ता जाएगा आपको ऊपर में। हाँ। और ये वहीं से आ रहा, और ऊपर में किला भी है। हाँ। राजा महाराजा का उस टाइम का है। हाँ। और एक बहुत फेमस मजार भी है। अच्छा, वो मजार जो है पहाड़ से सटा हुआ एकदम हैंगिंग मजार है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, बहुत छोटा मजार है वहाँ पे, हैंगिंग मजार है। वहाँ पे जाइएगा तो आप डायरेक्ट अगर मजार पे जाके, उसका जो सीढ़ी है, सीढ़ी का बाउंड्री हैंडरेलिंग, वहाँ से आप नीचे देखेंगे ना, तो वहाँ से बगल से जो वाटरफॉल, यही नदी का झरना जो है, वो साफ एकदम ग्राउंड लेवल पे दिखेगा, वहाँ से गिरता है, वहाँ से गिरता है। अरे वाह, क्या बहुत अच्छा जगह है, हम लास्ट वहाँ पर है कोने में ना, टॉप में एकदम पूरा टॉप पे एकदम कॉर्नर पे दिख रहा है, एज पे वहाँ बना कैसे हुआ, ये भी मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, जानने वाली चीज लायक है। चलिए गाइस, कभी तो कभी दिखाएंगे आप लोग को घूमते। बाकी ये भूखी खो का बताइए, ये भूखी खो है, यहाँ पे लोग सावन का महीना में मंदिर है वहाँ। अच्छा, पे आता है, मंदिर भी यहाँ पर है, मंदिर है। अच्छा, वहाँ पे लोग आते हैं अपना पूजा। अभी आप आगे जाइएगा तो कुछ लोग भी मिलेंगे नहाते हुए, झरना अच्छा है। हाँ। थोड़ा अभी आप लोग चलेंगे नहाने वहाँ पर? हाँ जाएंगे, हम लोग भी आए, अभी दोस्त लोग कुछ पीछे है, वो लोग आ रहे हैं, इन्हीं लोग के साथ हम भी नहा लेंगे उसी में, है ना। हालांकि अच्छा जगह, पता नहीं है कहने कहाँ गड्ढा जा रहा है ना भाई, इसलिए साथ जरूरी है ना, हम लोकल लोग मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। नेचुरल जगह है, नेचुरल जगह में घूमने का फीलिंग ही अलग आता है, मजा अलग है ना। ये सब कहीं नहीं मिलने वाला, जल्दी मिलने वाला। इधर देखिए भाई, एक तो हाय बाय कर रहे हैं भाई, है ना, जा रहा है ये जेट में या ठंडी के मौसम में बंद हो जाए। ये देखिए कुछ लोग और आ चुके हैं, यार क्या खुशी इन लोगों के चेहरे पे ना अलग ही लेवल का खुशी है। चलिए तो फिर सबके साथ में नहाते हैं, तो फिर देखा जाए, है ना, कैसे कैसे क्या होता है, देख रहे हैं। अरे भाई क्या कमाल का चीज़ें हैं, इधर देखिए मतलब पेड़ यार चारों साइड से, सिर्फ यहाँ बीच में पत्थर, ओ भाई गजब बवाल है ना। अब यहाँ पर किसी भगवान का नाम वगैरह लिखा तो और भी ज़बरदस्त होता ना, मगर खैर लिखा नहीं है सर, क्योंकि बराबर नहीं पत्थर ना, इसलिए हो सकता है नहीं लिखा। डॉगी भी पीछे पीछे आ गया भाई, काटेगा नहीं ना यार, बड़ा खतरनाक दिख रहा है तो ज़बरदस्त दिख रहा है, हालांकि पेड़ ठीक है भाई, पीपल उपल का होगा मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है, देखते हैं आप लोग पहचानिएगा, ठीक है, किस चीज़ का पेड़ है, मेरे को तो पता नहीं है अभी। ये देखिए शायद दिखता होगा पत्ता इसका, पता ना पीपल का नहीं है, पीपल का और भी कुछ अजीब टाइप का। खाने का प्रोग्राम देखिए, लोकल लोग लेकर के आए हुए हैं अरे भाई यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटी है, कुछ लोग पार्सल लेके आते हैं और कुछ लोग भाई लोग यहाँ आके बनाते भी हैं। हाँ देखिए वहाँ बना के तो खा भी रहे हैं सब भाई, कमाल है ना
ओह भाई, बना के खाने में तो और भी मजा आता होगा ना। अरे वाह, देखिए खुशी निकल के आ रहा है लोगों का। हालांकि अंदर से हम भी खुश है, जैसे ही वीडियो बन करके लौटेंगे इसी में जाकर के। अभी लड़कों को देखिए कैसे नहा रहे हैं सब। भाई जाने में डर डर लगता है। सही है, ये भी सही है। देख रहे हैं ये देखिए है ना मज़ा है। गरीबी देखिए, इसमें सही बात है, गरीबी है मगर खुशी है। देखिए ये है ना चेहरा, देखिए सभी का मुस्कुराहट, सबसे मेन इनका चेहरा देखिए है ना। तो गरीबी में मज़ा, कैसे ठीक ठाक है हैं? मजा आ रहा है हैं? लड़के मजा आ रहा है। स्पीड गिरता होगा पानी वहाँ, देखिए जैसे गिर रहा है ना कोना पेरम जस्ट में, शायद दिखता होगा आपको क्योंकि बहुत पतला वहाँ से मतलब पहाड़ के अंदर से निकल के आ रहा है, वो तेज आगे गिरता होगा फिर नीचे ऐसे करके आ रहा है। तो अभी हम भी यहाँ नहाने वाले हैं। आज हम लोग आए हैं बुकी को झरना में नहाने, यहाँ पे दोस्त लोग नहा रहे हैं। ये देखिए दोस्त लोग नहा रहे हैं। ये देखिए, ए देखा 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 खींचा खींचा शरीफ, अरे पहला खींचा खींचा बच गया। हाँ 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 चलो चलो ठीक हो। बहुत मुश्किल से लेके अगर जान दे के बचा, हाथ से छूट गया था मेरा, जैसे ही पकड़ा छूट गया बस। ये तो इन लोग का देन है कि बच गया, कम से कम पैर के नीचे पकड़ा सब है ना। अब आता है नहाने के लिए, बुझाना सुझाना है ही नहीं, तैरना कैसे कहाँ चल रहा है। खाइयो अभी ठीक हो।